इस वेले की अहम खबर आ रही है पठानकोट तो, जिथे रणजीत सागर डैम के एक झील के आर्मी का हैलीकॉप्टर कलैश हो गया। कुछ ही देर के तस्वीर भी दिखावांगे जो इस वेले की अहम खबर पठानकोट के नाल जुड़ी हुई आ रही है, जिथे रणजीत सागर डैम की एक झील है उहदे विच आर्मी का हैलीकॉप्टर क्रैश हो गया। खुशकिस्मती दे नाल दसया जा रहा है कि जो इस दे विच तीन जवान सवार सन वो तीनों ही सुरक्षित दसे जा रहे हैं, तो लोकल प्रशासन के वालों भी मौके पर पहुँच के राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। तो तस्वीर भी कुछ ही देर दे विच दिखावांगे जिथे दसया जा रहा है कि अचानक ही उत्थे आर्मी का हैलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिहदे विच तीन जवान सवार सन। जो उत्थे एक क्रैश होया तो उन्होंने सुरक्षित बाहर कढ लिया गया, वो तीनों के तीनों सुरक्षित ने, लेकिन लोकल प्रशासन ते पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुके हैं जिन्हां दे वलों राहत कार्य आरंभे हुए ने। पूरी जानकारी ले लेंदे आ सानल पठानकोट तो प्रदीप जुड़े हुए ने मेरे सहयोगी। प्रदीप, हादसा कदों वापरिया, की जानकारी है पूरी? मैम उत्थे जिहड़ा आ उह हैलीकॉप्टर जिहड़ा आर्मी दा जिहड़ा क्रैश हो गया जी, बचाव कार्य चलदा पिआ इस वेले। सारी जिहड़ी आ फोर्स जिहड़ी आ उत्थे बचाव कार्य दे विच लगी हुई है जी। किन्ने वजे हादसा वापरिया, की जानकारी की है हुण तक दी? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੀ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਚਾਵ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚਾਵ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। जवान इस हेलीकॉप्टर दे विच सवार सन उन्हां नूं किवें बचाया गया? जी तां धन्नवाद साडे नाल जानकारी सांझी करन दे लई। तां इह जो इस वेले की अहम खबर है तस्वीरां भी तुहाडे नाल सांझियां करन जा रहे हैं जिथे ये हादसा वापरिया। अजे तक कोई जानकारी पूरी तरह के नाल स्पष्ट नहीं हो पाई कि जवान कित्थों चले सन ते कित्थे जा रहे सन, पर इस वेले की जो अहम सूचना है, अहम खबर है, वो यही सामने आई है कि पठानकोट दे विच जो रणजीत सागर डैम है उस दी इस झील दे विच इह वड्डा हादसा वापरिया। पर खुशकिस्मती दे नाल यही दस्या जा रहा है कि जो इहदे विच तीन जवान सवार सन वो सुरक्षित ने, उन्होंने सुरक्षित उत्थों बचा लिया गया। लोकल प्रशासन हुण मौके ते पहुंचा, फौज के अधिकारी भी मौके ते पहुंच रहे हैं जिन्हां दे वलों ये जांच की जाएगी कि आखिर हैलीकॉप्टर किस वजह दे नाल या किस तकनीकी कारणां दे करके क्रैश होया है, कि तकनीकी कारण सन जिन्हां दे करके ये वड्डा हादसा वापरिया। हालांकि तीन जो जवान ये सवार सन उन्होंने तो सुरक्षित बचा लिया गया, वो तीनों बचे गए ने, यही खुशकिस्मती है। लेकिन किना कारण करके एक क्रैश होया, कि फॉल्ट आया जिदे करके ठीक झील के उपर ही एक क्रैश हो गया, तो उसनों जानने के लिए भी फौज के अधिकारी दसा जा रहा है कि मौके पर पहुंचे ने, जिन्हों के वालों पूरी जाँच पड़ताल की जाएगी। हूँ हालांकि तस्वीर जेकर तुसी देख पा रहे हो तो स्क्रीन पर, तो वो भी देख के जरा दूर एक सेंटर के नज़र आ रहा जिथे हैलीकॉप्टर क्रैश होया, तो उसका कुछ हिस्सा जरा अजे भी पानी के उपर नज़र आ रहा है। तस्वीर के अजय तस्वीर जो घटना के बाद बिल्कुल सामने आई ने कि जिते सेंटर के बिल्कुल झील के बिल्कुल विचाले कुछ हिस्सा अजे भी हैलीकॉप्टर का उपर नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि जो तीन सवार सन उन्होंने तो बचा लिया गया, उस सुरक्षित ने, लेकिन हैलीकॉप्टर जिहड़ा वो किस वजह के नाल क्रैश होया उसके तकनीकी कारणों की जाँच चल रही है, ये जानने की कोशिश की जाएगी। हूँ हालांकि पहला उस हिस्से नूं भी बाहर कढ़न दी कोशिशां चलन गईआं, उस दे लई भी बचाव कार्य उत्थे शुरू कर दिते गए ने, जिथे फौज दे अधिकारी मौके ते पहुंचे ने, तां जो पठानकोट दे पुलिस मुलाजम ने उह भी मौके ते पहुंचे ने। तस्वीरां दे विच देखिआ जा सकदा है कि जो झील दे आले दुआले खड़े हो के मुआयना कर रहे ने, पूरी जिहड़ी आ उह जानकारी लै रहे ने, जाँच पड़ताल होवेगी, उस तों बाद इह जाणिआ जावेगा कि आखिर किहनां कारणां दे करके इह वड्डा हादसा वापरिआ। तां इक वारी फिर तों दस दईए कि तस्वीर जो पठानकोट के रणजीत सागर डैम की इस झील दियां ने जिथे ये वड्डा हादसा वापरिया, फौज का हैलीकॉप्टर दसया जा रहा है कि एक घंटे तो पहला
तकरीबन इस हादसे नूं एक घंटा हो चुकिया, उदों ये प्लेन माफ करना हैलीकॉप्टर जिहड़ा उत्थे क्रैश होया, इहदे विच तीन जवान सवार सन। जदों ये हादसा वापरिया, हादसे के कारण का अजे कोई पता नहीं चल पा रहा, इसे नूं लैके उत्थे जिहड़े फौज के अधिकारी मौके पर पहुँचे ने, लोकल प्रशासन भी मौके पर पहुँचा, पुलिस मुलाजम भी उत्थे मौके पर नज़र आ रहे हैं। तो तस्वीरों के भी जिथे इस झील के बिल्कुल विचाले हैलीकॉप्टर का हिस्सा भी कुछ जो पानी के उपर है वह नज़र आ रहा। इस हादसे नूं लैके पूरी जांच पड़ताल हो रही है कि आखिर यह हादसा क्यों वापरिया, लेकिन कहा जा रहा है कि एक घंटा पहला यह हादसा वापरिया है। किस कारण तो कितों ये जवान चले सन, कितने इन्होंने पहुँचना सी, कीड़ी कार्रवाई सी जिहड़ी इन्हां दे वलों कीती जानी सी या कर रहे सन, इस बारे अजे कोई जानकारी सांझी नहीं की गई है किसी दे वलों, क्योंकि सारे अधिकारी ते जिन्ने भी मौके ते पहुंचे मुलाजम ने उन्हां दे वलों सब तो पहला राहत कार्ज चलाए जा रहे हैं ताकि कोई भी होर अणसुखावी घटना उत्थे ना वापर जाए, जो हैलीकॉप्टर के हिस्से ने उन्होंने बाहर कढ़िया जा सके ते ए जानिया जा सके कि आखिर एक घटना क्यों वापरी है। तो तस्वीर पठानकोट के रणजीत सागर डैम तो झील दियां तुसीं देख रहे हो, जिथे ये हैलीकॉप्टर क्रैश होया। खुशकिस्मती दे नाल एक बार फिर तो दस दिए कि जो इस दे अंदर तीन जवान सवार सन वो सुरक्षित दसे जा रहे हैं, कौन वो जवान सन उन्होंने बारे भी जल्दी जानकारी सांझी की जाएगी, तो क्यों ये हादसा वापरे इस बारे भी जल्द ही जानकारी थोड़े तक लैके आवेंगे। होर अपडेट के लिए भी बने रहो दैनिक सवेरा टीवी के नाल।